हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि यूजीसी एनटी नेट में पूछे गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिस सिर्फ आपके यूजीसी एनटी नेट के लिए नहीं, आपके जितने भी अपकमिंग लाइव या एग्ज़ाम है उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986। इसमें पूछा है जो हमारी नेशनल पॉलिसी थी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986 में, तो उनके चेयरमैन कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीपी चट्टोपाध्याय। याद रखना, डीपी चट्टोपाध्याय ये चेयरमैन थे जब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो नेशनल पॉलिसी बन रही थी उसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर 2011 फॉर एलआईएस एजुकेशन इन इंडिया इज। तो ये क्या है, सेंचुरी ईयर है, याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर थ्रू। तो रेफरेंस सर्विस है तो आस्क योर लाइब्रेरियन, आपको कोई भी चीज़ पूछनी है ना तो आप डिजिटली आस्क योर लाइब्रेरियन पे आपको जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज फॉर्म एज अ रिजल्ट, तो ये होता है फ्यूजन में। इसके बाद द ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ थिंग्स मटेरियल एंड एक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्जेक्ट वॉज एक्सपेंडेड बाय। याद रखना, जब भी थिंग्स मटेरियल एक्शन की बात हो तो इसके लिए हमें लगाना है ई जे कोट्स, याद रखना ई जे कोट्स। रेशनल डेटाबेस इज अ, तो ये है सी मैनिपुलेशन कमांड विच रिलेट रिकॉर्ड इन डिफरेंट फील्ड। तो याद रखने काफ़ी इम्पोर्टेंट है रिलेशनल डेटाबेस, तो इसमें मैनिपुलेशन करते हैं कमांड की, जो कि डिफरेंट फील्ड से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं उसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन, शोध गंगा इज अ रिपोजिटरी ऑफ, जो शोध गंगा एक रिपोजिटरी है किसकी है, थीसिस की है। और शोध गंगोत्री है वो किसकी है बताइए, कमेंट में बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। जो शोध गंगोत्री है वो किससे संबंधित है। आई होप कि कमेंट में आपने राइट आंसर दे दिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो एफ टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, ये सभी यूज होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, याद रखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन, RRRLA फॉल्स अंडर दी, तो ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। अब ये बताइए मुझे, जो RRLF है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, बताइए जल्दी से कमेंट करके, जो RRLF है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है बताइए। तो इसका जो हेड क्वार्टर है बताइए कहाँ पे RRLF का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज़ बीइंग मेंटेन बाय। तो ये जो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है किसके द्वारा मेंटेन होती है, तो ये होती है ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी, याद रखना ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी। जो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है ये ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी इसके द्वारा मेंटेन होती है। क्वेश्चन नंबर एलेवन है, वॉट आर दी मेजर ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी है बताइए कौन कौन से इसके पीछे हैं ड्राइविंग फोर्सेस। तो एक तो है भाई ICT होगा और इंटरनेट है ना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, विच लाइब्रेरीज आर फंक्शनिंग एज रिपोजिटरी लाइब्रेरीज, बताइए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी है बताइए, विच लाइब्रेरी आर फंक्शनिंग एज डिपोजिटरी लाइब्रेरीज। तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता है, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट और सेकेंड है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूसिव जियोग्राफिकल रिसोर्सेज, तो इंसाइक्लोपीडिया और ईयर बुक इसमें दिए गए हैं।
विच प्रिंसिपल आर ट्रूली टू बॉल पिक्चर प्रिंसिपल, काउ काफ प्रिंसिपल और होल ऑर्गन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 15, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस कंप्यूटर फाइल ऑर्गेनाइजेशन आर, तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, स्पीड ऑफ एक्सेस, स्टोरेज और फाइल वोलेटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसमें मेजर प्रॉब्लम्स है, तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो ओपन सोर्स कौन है, Drupal है, जुमला है और ओपन CMS, ये तो आपको ईजी था, पता चल गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टाइल ऑफ साइटेशन, कौन सी स्टाइल साइटेशन की नहीं है, तो ए है फर्स्ट है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, क्या है बताइए कौन कौन सी नहीं है, तो आपको पता शिकागो मैनुअल स्टाइल होती है, MLA राइटर रिसर्च पेपर होती है ना, फर्स्ट और फोर्थ नहीं है। अब इसमें पूछा है जो लिटिल साइंस बिग साइंस है किसने लिखी थी बताइए, तो एरिक डी सोला प्राइस इनने लिखी थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, इनमें से कौन सा जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट से संबंधित है तो बताइए, तो ये तो है साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, क्लासिक इसमें ह्यूमन बिहेवियर स्कूल और क्लासिकल स्कूल तीन है। लास्ट क्वेश्चन, यूज़र कैन हैव एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स, तो यूज़र जो लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल एक्सेस उसको एक्सेस कर सकते हैं, आर ए यूज़र आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग ई जर्नल, जो यूजर्स हैं वो अवेयर नहीं है यूजिंग ई जर्नल्स के, तो बताइए क्या है, तो दोनों सही हैं और इसका जो आर का जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर दूं क्या, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार इसको वीडियो को फिर से देख लेना ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, गुड बाय, जय हिंद।